ओके जी, सो मीडियम साइज प्रोजेक्ट के लिए जनरली वी से कि एक दिन से लेकर और 10 वर्किंग डेज तक, लाइक 2 वीक्स बनता है, 80 आवर्स 2 वीक्स बनता है. तो 10 वन वर्किंग डे एक दिन से लेकर ऑलमोस्ट कह लें कि 10 डेज तक का काम आपका होना चाहिए, इतना आपका वर्क एलिमेंट छोटा या बड़ा हो. अच्छा, उसके बाद जो लार्ज साइज प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए हम जनरली कहते हैं कि आपका 300 आवर्स का वर्क जरूर हो, ठीक है, उससे ज्यादा ब्रेकडाउन ना करें. जनरली अबाउट 300 प्लस माइनस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आप 300 आवर्स तक एक काम को ब्रेक करें, उससे ज्यादा ना करें. अदरवाइज आपको वो जो कोऑर्डिनेशन एफर्ट है वो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी. हर 1 मिनट बाद आपको कोई रिपोर्ट आ रही होगी, हर 15 मिनट बाद रिपोर्ट आ रही होगी, सर वो मैंने 2 इंटें रखनी है, सर मैंने एक इंट इंटों की लाइन पूरी दीवार पे रख दिया, अब मैं दूसरी रख रहा हूँ, एंड सो ऑन. यू डोंट नीड दैट मच डिटेल. आपको जो एस्टीमेट लेने हैं, जो आपको मैनेजमेंट करनी है और जो आपको कंट्रोल करना है, वो सारे का सारा आप चाहते हैं कि रीजनेबल डिटेल में हो, एक बात. अच्छा, दूसरी बात, अब मैं कुछ टर्म्स बता रहा हूँ, वो टर्म्स आपने याद रखनी है. आप ऐसे किसी ने वैसे पूछा भी जी था जी सलमान? अच्छा अच्छा आप में से किसी ने मेरे से पूछा था कि एक हम टर्म यूज करते हैं टास्क की, एक मैंने कहा वर्क एलिमेंट, ये आपको याद होना चाहिए. वर्क एलिमेंट से मुराद ये है कि WBS के ऊपर जो कुछ भी है वो सारे का सारा वर्क एलिमेंट है. हर डब्बा जो हमने बनाया था वो एक वर्क एलिमेंट है, ठीक है. अच्छा, तो एक तो टर्म आपको पता होना चाहिए वर्क एलिमेंट क्या है. नंबर टू, एक वर्ड हम यूज करते हैं टास्क, एक वर्ड हम यूज करते हैं एक्टिविटी. अच्छा, अब प्रोजेक्ट के ऊपर ये जो WBS बनता है, WBS में एक्टिविटीज कहीं भी नहीं आती, ये आपने याद रखना है. WBS का जो सबसे नीचे वाला एलिमेंट होता है, सबसे नीचे वाला लेवल होता है, वो एलिमेंट हम कहते हैं ये एक वर्क पैकेज है. इसका नाम है वर्क पैकेज. वर्क पैकेज बेसिकली एक खास काम होता है जो आप किसी वर्क पैकेज मैनेजर के हवाले कर देते हो, और वो फिर उसकी प्रोग्रेस, उसके एस्टीमेट या मैनेजमेंट को देखता है. सो एक वर्क पैकेज इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द WBS. अच्छा, और जो एक्टिविटीज हैं वो WBS के बाद हम देखते हैं कि यार इस वर्क पैकेज को कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी. सो अब मैं आपको बता रहा हूँ, WBS के अंदर एक्टिविटीज शामिल नहीं होती, ये हमेशा आपने याद रखना है. नंबर टू, वर्क पैकेज जो है वो लोएस्ट लेवल जो WBS को होता है वो होता है वर्क पैकेज, और वर्क पैकेज को कंप्लीट करने के लिए हम एक्टिविटीज में उस वर्क पैकेज को तोड़ते जरूर हैं, लेकिन WBS का पार्ट वो नहीं होता. वो अलग से हम एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज बनाते हैं, और ये हम बनाएंगे अगले नॉलेज एरिया में. अभी हम स्कोप का नॉलेज एरिया पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद जो टाइम वाला नॉलेज एरिया है, टाइम वाले नॉलेज एरिया में पहला काम ही हम ये करेंगे कि एक वर्क पैकेज को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, इसको हम कहेंगे एक्टिविटीज. जनरली एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एक्टिविटी एक्टिविटी लेवल पे होते हैं. आपके 3 दिन लग रहा है, एस्टिमेट कर रहे हैं ड्यूरेशन का, आप कॉस्ट के एस्टिमेट कर रहे हैं, आप रिसोर्सेज के एस्टिमेट कर रहे हैं, तो वो जनरली एक्टिविटी लेवल पे और होता है. सो WBS के अंदर एक्टिविटीज शामिल नहीं होती, लोएस्ट लेवल WBS का उसको वर्क पैकेज कहते हैं. हर वर्क पैकेज को करने के लिए जो भी एक्टिविटीज करनी है उसकी हम लिस्ट अलग से बनाते हैं, नॉट एज अ पार्ट ऑफ वर्क पैकेज, और वो हम बनाते हैं टाइम के नॉलेज एरिया में, एक बात. दूसरी बात, वर्क पैकेज के अंदर, सॉरी, जो WBS है उसके अंदर दो और लेवल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. वो दो लेवल्स क्या हैं? एक को हम कहते हैं कंट्रोल अकाउंट लेवल, और एक को हम कहते हैं वर्क पैकेज लेवल, सॉरी, प्लानिंग पैकेज लेवल. ये मेरे पास प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को मैंने ब्रेक डाउन किया, ठीक है जी. लेट से ये 3 डिलीवरेबल्स हैं जिन पे मैंने इसको ब्रेक डाउन कर लिया. अब इस डिलीवरेबल को बनाने के लिए फर्दर मैंने ये 2 बनाए, और इसको बनाने के लिए लेट से ये 3 आ गए जी, एंड इसको बनाने के लिए मुझे ये 2 चाहिए. अच्छा, अब फर्दर मैं आगे जाता हूँ, और इसको मैंने बनाने के लिए 2 बनाए, और एक को मैं आगे ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, एंड सो ऑन, इसी तरह आगे चलता रहेगा. अच्छा, अब ये वाला लेवल जनरली डिलीवरेबल्स का लेवल होता है या फेजेस का लेवल होता है, जैसे मैंने कहा मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, या डिलीवरेबल्स कहते हैं या इसको फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं. उसके बाद एक लेवल और होता है समवेयर इन बिटवीन
द डिलीवरेबल्स एंड द वर्क पैकेज, यहाँ पे करके ऑलमोस्ट प्रॉब्ली इस जगह पे होता है, उसको हम कहते हैं कंट्रोल अकाउंट लेवल। कंट्रोल अकाउंट लेवल, ये जो कंट्रोल अकाउंट लेवल है, ये मैनेजमेंट का जो टॉप मैनेजमेंट है या जो आपका वो है क्या कहते हैं स्पॉन्सर है, उसका कंट्रोल पॉइंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो बजट प्लान हो रहे होते हैं या चल रहे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, स्टेशनरी का बजट है, फ्यूल का बजट है, ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस का बजट है, ठीक है, मटेरियल परचेज का बजट है एंड सो ऑन। वो जितने भी बजट है ना, वो जनरली इसके साथ हम लिंक करते हैं और इसको हम कहते हैं कंट्रोल अकाउंट लेवल। मैनेजमेंट इससे नीचे की डिटेल्स नहीं मांगती, वो जनरली कहती है कि मुझे प्रोग्रेस बताओ ना, तो इस लेवल पे बताओ बस। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जाहिर है उसने तो पूरा प्रोजेक्ट को देखना है, वो तो नीचे डिटेल तक वर्क पैकेज मैनेजर तक से पूछता है, इवन एक्टिविटीज की भी बात पूछता है। लेकिन स्पॉन्सर हो गया, टॉप मैनेजमेंट होगी, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दीज माइनर डिटेल्स। वो क्या कहते हैं कि भाई हमें जो प्रोग्रेस बताएंगे आप कंट्रोल अकाउंट लेवल पे बताएंगे। सो कंट्रोल अकाउंट लेवल इज अ कंट्रोलिंग लेवल या इज अ कंट्रोल पॉइंट फॉर द मैनेजमेंट। एक बात आपको ये लेवल पता होना चाहिए, सो कंट्रोल अकाउंट लेवल का इज अ लेवल इन द WBS जो मैनेजमेंट जिसमें इंटरेस्टेड होती है। मैनेजमेंट अपने प्रोजेक्ट को इस लेवल पे कंट्रोल करती है, इससे नीचे नहीं जाते। वो छोटी मोटी एक्टिविटी, सर वो फलां वर्कर चला गया है, वो छुट्टी पे चला गया, उसकी जगह हमने काशिफ को लगा दिया है और दानिश जो है वो आ गए हैं और दानिश ने ये कर दिया हुआ, ये मैनेजमेंट इतनी माइनर डिटेल्स में नहीं जाती। वो कहती है भाई बड़ी बड़ी बातें बताओ मुझे बस। अच्छा, अब इससे इसके बाद एक लेवल होला है, लेट्स से ये मेरा कंट्रोल अकाउंट है, ये वाला मैं कौन सा कलर यूज करूँ, मैंने सारे कर लिए, मैं चाहे गुलाबी कर लेते हैं जी। अब ये मेरा कंट्रोल अकाउंट है और इस कंट्रोल अकाउंट को मैं ब्रेक डाउन करता हूँ और एक लेवल, एक मैं इस चीज में बनाता हूँ और दूसरा पार्ट ये बनता है। हाउएवर ये इसकी तो फर्दर ब्रेक डाउन मैं वर्क पैकेज तक कर रहा हूँ, लाइक ये वाला लेवल मेरा वर्क पैकेज आखिरी वाला, बट ये जो पार्ट है ये मैं अभी पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। इसको हम कहते हैं प्लानिंग पैकेज। मैं ये कहता हूँ कि यार फ्यूचर में अभी मेरे पास ये पॉइंट क्लियर नहीं है, मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको मैं बाद में वर्क पैकेज में ब्रेक डाउन जरूर करूंगा, लेकिन इसका अपना ओवरऑल बजट, इसके अंदर मुझे काम क्या करना है, वो ऑलमोस्ट मुझे क्लियर है। हम वर्क पैकेज को तो फर्दर ब्रेक डाउन कर लेते हैं, लेकिन प्लानिंग पैकेज के अंदर हम जाहिर है उसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। और मैं लेकिन इसका मुझे एक जनरल स्कोप पता है कि भाई ये फला चीज है, ये दरवाजे हैं लेट्स से, और ये दरवाजे बनेंगे। आगे इसके अंदर डिटेल क्या है वो मैं फिलहाल नहीं बता रहा, लेकिन वो मैं देखूंगा जब मुझे क्लैरिटी आएगी। फॉर द टाइम बीइंग आई एम नॉट यू नो गोइंग टू ब्रेक इट डाउन फर्दर। सो इस पैकेज को या इस लेवल को हम कहते हैं प्लानिंग पैकेज लेवल। प्लानिंग पैकेज लेवल इज अ लेवल बिटवीन कंट्रोल अकाउंट एंड वर्क पैकेज, ठीक है जी। सो समिंग अप, एक मेरा डिलीवरेबल का लेवल होगा या फेज लेवल होगा, ये जनरली सबसे ऊपर वाला लेवल होता है। उसके बाद मैनेजमेंट का एक लेवल होता है जिस पे मैनेजमेंट अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को कंट्रोल करती है, मॉनिटर करती है, उसको हम कहते हैं कंट्रोल अकाउंट लेवल। और ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट बजट के कोड हेड्स हैं, ये कंट्रोल अकाउंट उनके साथ लिंक होते हैं। ये बात शायद अभी आपको मेरी पूरी तरह समझ ना आई हो, बट इसको आप फिलहाल इग्नोर कर दें। अच्छा, उसके बाद जो कंट्रोल अकाउंट है उसको हम फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं और कुछ हिस्सों को तो हम वर्क पैकेज लेवल तक ब्रेक डाउन कर देते हैं, बट समटाइम्स कंट्रोल अकाउंट एंड वर्क पैकेज के दरमियान एक लेवल आ जाता है प्लानिंग पैकेज, ठीक है। ये लाजमी नहीं है कि आए, बट अगर मैं वो रोलिंग वेव प्लानिंग के तहत किसी चीज को रोक रहा हूं तो आएगा। अब लेट्स से मैं ये कहता हूँ ये मेरा कंट्रोल अकाउंट लेवल है। कंट्रोल अकाउंट लेवल से आगे मैं फर्दर कम से कम इसके अंदर दो वर्क पैकेज का होना लाजमी है, कम से कम भी दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता। अगर एक होगा तो दैट मींस यही काम मैंने इधर लिखा हुआ है और उसी को मैं कह रहा हूं दरवाजे बनाने और नीचे फिर मैं कह रहा हूं दरवाजे बनाने, दिस इज द सेम थिंग। मैंने उसको दो हिस्सों में कम से कम तो दो हिस्सों में ब्रेक डाउन करूंगा तो ये तब वर्क कंट्रोल अकाउंट वाला लेवल आगे ब्रेक हो रहा है, वरना इसका मतलब ये ब्रेक नहीं हो रहा। सो एक कंट्रोल अकाउंट के अंदर कम से कम एक वर्क पैकेज, सॉरी दो वर्क पैकेज होना लाजमी है, नंबर वन। नंबर टू,
एक कंट्रोल अकाउंट के नीचे एक प्लानिंग पैकेज भी हो सकता है, दो वर्क पैकेज कम से कम, और एक या एक से ज्यादा प्लानिंग पैकेज भी हो सकते हैं। अगर मैं कोई चीज ऐसी कर रहा हूँ जिसको मैं अभी फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर रहा, तो ज़ाहिर है वो प्लानिंग पैकेज कहलाएगा। सो अ कंट्रोल अकाउंट विल हैव एटलीस्ट टू वर्क पैकेजेस एंड एटलीस्ट एंड समटाइम्स इट मे हैव वन और मोर देन वन प्लानिंग पैकेजेस। सो ये आपको इसका जनरल स्ट्रक्चर जो है वो भी आइडिया होना चाहिए। एक और बात, जी 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 सलमान, डू यू वांट टू सर, ये जी मैं दानिश। सर सर जी दानिश, कंट्रोल अकाउंट जो हम मेंशन कर रहे हैं कि कंट्रोल अकाउंट एक वो पॉइंट है जहां पे स्पॉन्सर या मैनेजमेंट टीम का कंट्रोल होता है, हम उसको अपने WBS में आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि दिस इज अवर कंट्रोल अकाउंट? अगेन ये वी विल टॉक, मतलब ये जो एक्सपर्ट जजमेंट की हम बात करते हैं ना कि हर हर प्रोसेस में यूज होता है, वो आपका जनरली डिफाइन करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्पॉन्सर आपको, जब आप उसकी रिक्वायरमेंट से डिस्कशन करते हैं ना, रिक्वायरमेंट की, यार मेरी कम्युनिकेशन की, रिपोर्टिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको बता देता है कि यार मुझे इस इतनी लेवल की डिटेल चाहिए, इससे आगे नहीं बताना। जब मैं उसके पास AWBS लेके जाऊंगा तो ऑब्वियसली वो मुझे बताएगा कि यार मेरे आपने इसके बारे में प्रोग्रेस देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी। और साथ में वो ये भी बताएगा, ये भी हो सकता है कि आपका वो स्पॉन्सर जो है ना वो कहे कि भाई मुझे तो सारी डिटेल दो लेकिन एक रिपोर्ट और बनाना वो मुझे टॉप मैनेजमेंट को बतानी है, ठीक है, उसके अंदर आप लिखना। और जनरली इसी तरह होता है कि आप क्या करते हो कि ओवरऑल प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस बना देते हो और साथ में अपना एक और पेज रख लेते हो कि अगर टॉप मैनेजमेंट इंटरेस्टेड हुई और वो फर्दर टॉप मैनेजमेंट क्वेश्चन पूछती है, अच्छा यार ठीक है 70% काम तो हुआ तो रहता क्या है, तो फिर मैं उसको बता दूंगा सर प्लम्बिंग का हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया, तो ये मैं उसके साथ रखता हूँ। तो इट डिपेंड्स, हमारी जो मैनेजमेंट है वो अपनी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट में ये बता देगा, बट जनरली जनरली हैविंग सेड दैट, जनरली ये डिलीवरेबल लेवल से नीचे वाला लेवल होगा या तो मैनेजमेंट टीम खुद ही ये डिसाइड करती है दिस इज अवर कंट्रोल अकाउंट, यहां तक इंफॉर्मेशन मुझे रिक्वायर्ड। लेकिन मैनेजमेंट टीम का वर्ड यूज ना करें, देखें दो बातें अलग अलग हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम तो प्रोजेक्ट का हिस्सा है, लाइक आई टोल्ड यू दैट, है ना, मैं इस वक्त टॉप मैनेजमेंट कह रहा हूँ, ये मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसके नीचे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है, PMT कह लें आप उसको, और इसके नीचे जनरल टीम है, ऑल्दो ये सारी मिलकर टीम है बट आप कह लें कि जो बाकी लोग बचते हैं टीम के वो, और इसके ऊपर स्पॉन्सर बैठा है, और जनरली स्पॉन्सर से ऊपर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या CEO वगैरह लोग हैं वो इस लेवल पे है, तो वो टॉप मैनेजमेंट कहलाएगी, ठीक हो गया। तो स्पॉन्सर माइट बी वेरी मच इंटरेस्ट, और समटाइम्स अगर ये प्रोजेक्ट क्या ऊपर CEO का चहिता प्रोजेक्ट है, बहुत ही क्रूशल प्रोजेक्ट है, तो ऑब्वियसली फिर तो शायद बड़ी डिटेल में वो नीचे तक आ गए, यू नेवर नो, ठीक है जी। अच्छा अब हम आगे आते हैं, और एक और रूल है जिसको हम कहते हैं 100% रूल। 100% रूल जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात मेंशन की थी कि यार ये मेरा इस तरह ब्रेक डाउन हो रहा है, और ये ब्रेक डाउन होने के बाद ये दोनों चीजें मिल के इस चीज को बनाए, ऐसा ना हो अगर आपको ये लगता है ना कि यार ये चीज इन दोनों चीजों से मिलके नहीं बन सकती, तो दैट मींस देयर समथिंग मिसिंग। अच्छा, और लेट्स से वो मिसिंग हमें आइडेंटिफाई कर ली, अब ये तीनों चीजें मिलके ये बनाएंगी, ये तीनों चीजें मिलके ये बनाएंगी, और ये तीनों चीजें मिलके हमारा पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगी, दैट मींस मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर WBS मस्ट फॉलो 100% रूल, और 100% रूल का मतलब है कि कुछ ऐसा मिस ना हो जाए जो हमारे प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट करने के लिए जरूरी है या हमारा प्रोजेक्ट बनाने के लिए जरूरी है। दैट मींस व्हाट ऑल इज नेसेसरी वो सारे का सारा इस WBS के अंदर शामिल हो, नंबर वन। नंबर टू, कोई एक फ्लोटिंग एलिमेंट अलग से फ्री फ्लोटिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि मैं इन तीनों को मिला के ये बना रहा हूँ, रोल अप करता हूँ तो ये बन जाता है, ये दो रोल अप करता हूँ तो ये बन जाता है, और यहाँ पे मेरा पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है, तो भाई इसकी क्या जरूरत है फिर, ये अलग से एक फ्री स्टैंडिंग एलिमेंट के तौर पे क्यों खड़ा हुआ है? तो WBS मस्ट इंश्योर कि ऐसा कोई एलिमेंट WBS में ना हो, दैट मीन्स ओनली व्हाट इज नेसेसरी वही शामिल हो, नथिंग एल्स देन दैट। सो 100% रूल का मतलब है कोई चीज मिस भी ना हो और कोई चीज एक्स्ट्रा भी ना हो, व्हाट ऑल इज नेसेसरी एंड ओनली व्हाट इज नेसेसरी, ये हमारा WBS का पार्ट होना चाहिए। फिर हम आते हैं रोलिंग वेव प्लानिंग, इसके बारे में हम बात कर चुके हुए कि रोलिंग वेव प्लानिंग क्या है, हम कुछ चीजें
प्रोजेक्ट के ऊपर इमीडिएट जो हमें करनी होती है वो हम डिटेल में प्लान कर लेते हैं समटाइम्स, और कुछ पार्ट जो जिनके बारे में हमें अभी क्लैरिटी नहीं होती वो हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिवली उस प्लान को एलैबोरेट करके वक्त के साथ साथ हम चीज़ें करते हैं। अच्छा, अब ये कुछ पिम्बॉक गाइड से ये मैंने तीन सैंपल लिए हुए, आप इनको देख लीजिएगा। ये बाय फेजेस एक प्रोजेक्ट है या एक WBS है, उसको बाय फेजेस कैसे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट करने हैं, तो मैं कहूँगा अच्छा यार मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यू सी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कल के लेक्चर में मैंने बड़ी डिटेल में बताया था कि प्रोजेक्ट मैनेज करना मेरे स्कोप का हिस्सा है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो काम है वो यहाँ पे आएंगे। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट गैदर करना, उसके अंदर ये चीज़ें होंगी। उसके बाद डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाना, फिर उसको डेवलप करना या बिल्ड करना, और फिर टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन। ये तो मैंने अपने काम को बाय फेजेस और जस्ट स्टेप्स जो हमने फॉलो करने हैं अपने प्रोजेक्ट को बनाने में उसके थ्रू इसको ब्रेक डाउन कर दिया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका और देखते हैं, और वो है लेट्स से मुझे बाय डिलीवरेबल्स के मेरे इस प्रोजेक्ट के, मुझे एक एयरक्राफ्ट सिस्टम बनाना है तो उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं। ये वाला जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कंपोनेंट है वो अपनी जगह पे, और ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला है कि ट्रेनिंग चाहिए, डाटा चाहिए, एयर व्हीकल बनानी है, स्पोर्ट इक्विपमेंट बनाना है, उसके बाद फैसिलिटीज है, उसके बाद टेस्ट एंड एवेलुएशन है। अगर आप इसके अंदर एयर व्हीकल के अंदर देख लें तो एयर फ्रेम है, इंजन है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, फर्दर इसको आप आगे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ये मैंने मतलब ये वाला जो WBS है ये ब्रेक डाउन हुआ हुआ है बाय डिलीवरेबल्स। डिलीवरेबल्स की तरह आपने कि एक चीज को बनाने के लिए आपने आगे क्या क्या चीजें बनानी है उसको ब्रेक डाउन है। अच्छा, अब मैं अगला जो सॉरी ये वाला भी हो गया, वर्क पैकेज लेवल हमने कर लिया हुआ है, एक और बात कंट्रोल अकाउंट कर दिया हुआ है, टू और मोर कंट्रोल अकाउंट, वन और मोर प्लानिंग पैकेजेस, वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग। अच्छा, प्लानिंग पैकेज के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन प्लानिंग पैकेज का ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर हर चीज प्लानिंग पैकेज पर छोड़ दूँ। प्लानिंग पैकेज आप सिर्फ उस वक्त करोगे कि जहाँ पे आप कुछ हिस्सों को रोलिंग वेव प्लानिंग के तहत आप कहते हो कि यार एट दिस स्टेज मेरे पास शायद इसको वर्क पैकेज में कन्वर्ट करना मुमकिन नहीं है। लेकिन ये बात आपने याद रखनी कि जैसे ही मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो वो जो प्लानिंग पैकेजेस हैं उनको मैं लाजमी हर प्लानिंग पैकेज वर्क पैकेज में जरूर चेंज तब्दील होगा। ठीक है, जैसे ही मेरे पास वो इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं उस प्लानिंग पैकेज को वर्क पैकेज में कन्वर्ट करूंगा, नंबर वन। नंबर टू, जो प्लानिंग पैकेज की कन्वर्जन है इनटू वर्क पैकेजेस, वो काम आपने प्रोजेक्ट मैनेजर एंड स्पॉन्सर को फिर दिखाना जरूर है। वाई? बिकॉज इनिशियली जब ये WBS बन रहा था तो ये मेरी स्कोप बेस लाइन बनी थी, और स्कोप बेस लाइन के अंदर बेसिकली हमारा फोकस था वर्क पैकेजेस, और फिर अगले जब हम टाइम वाले नॉलेज एरिया में जाएंगे तो हम हर वर्क पैकेज को कंप्लीट करने के लिए जो एक्टिविटीज है मैंने वो डिफाइन करनी है, और उसके बाद उन एक्टिविटीज का ड्यूरेशन है और कॉस्ट एस्टिमेट है वगैरह वगैरह। तो अब जब मेरे पास एक चीज थी जिसको मैंने फुली ब्रेक डाउन नहीं किया था, वो प्लानिंग पैकेज था, तो उसमें वर्क पैकेज बना हुआ, तो जाहिर है मेरे पास लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज ऐड होंगी, तो जैसे वो ऐड होंगी तो उन एक्टिविटीज को आगे पीछे सीक्वेंस कैसे करना है। तो दैट मीन्स जब मैं चीज को ब्रेक डाउन करूंगा और मेरा WPS एक नई शक्ल लेगा तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि मैं एक दफा अपने स्पॉन्सर को, और ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मैनेजर अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो हो सकता है ये काम मेरे लिए कोई नीचे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम वाला कर रहा हूँ। अच्छा, और इसके नतीजे में अगर आपके स्केड्यूल में या आपके बजट में कुछ चेंजेस आती हैं तो जाहिर है फिर मुझे उसका अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको ये कहा था कि प्लानिंग पैकेज के अंदर जनरली आपको उसका जनरल स्कोप जरूर पता होता है और उसका जो फिक्स बजट है और आपका जो टाइम है स्टार्ट डेट एंड डेट वो आपको पता होती है, लेकिन कुछ डिटेल्स आप उसके अंदर फर्दर कि यार इसको अभी नहीं करते बाद में देखेंगे, आप उसको वहां पे छोड़ देते हो। तो अब अगर ये इसका बजट और इसकी एंड डेट एंड स्टार्ट डेट चेंज होती है तो ऑब्वियसली आपको लाजमी उसका अप्रूवल चाहिए, क्योंकि ये उस वक्त तक प्रोजेक्ट अप्रूव प्लान मैनेजमेंट प्लान एंड बेस लाइन अप्रूव हो चुकी होगी। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट एनी चेंज दैट वुड कम वो ऑब्वियसली हमने उसको थ्रू चेंज रिक्वेस्ट और फॉर्मल अप्रूवल के थ्रू ही हम उसको एंटरटेन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये WBS कैसे बनाना है मैंने वर्बली आप सबको बता दिया है, लेकिन ये प्रोसीजर जो है वो बुक के अंदर भी लिखा हुआ है और मैंने स्लाइड्स पे भी लगा दिया कि यार WBS आप कैसे करते हो बनाते हो। एक और चीज, हम ये जो चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं इस टेक्निक का नाम या इस टूल एंड टेक्निक का नाम है डीकम्पोजिंग। डीकम्पोजिशन आप करते हो या डीकम्पोज करते हो एक बड़े पीस को छोटे पीसेस में, डीकम्पोजिशन। ये डीकम्पोजिशन इस प्रोसेस में भी यूज हो रही है,
कि आपने अपने प्रोजेक्ट को डिलीवरेबल्स में, फिर कंट्रोल अकाउंट्स में, फिर प्लानिंग पैकेजेस में, एंड देन फाइनली वर्क पैकेजेस में डीकम्पोज किया। और अगला प्रोसेस वो जो सॉरी जो मैं टाइम वाले प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, टाइम वाले नॉलेज एरिया में हम फिर ये डीकम्पोजिशन टेक्निक यूज करेंगे इस वर्क पैकेज को फर्दर ब्रेक डाउन करने में कि मुझे इस वर्क पैकेज को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज चाहिए। अच्छा, अब मैंने आपको एक उस समय सॉरी एक चीज बता रहा था कि एक चीज होती है एक्टिविटी, तो एक्टिविटी WBS का हिस्सा नहीं है, वर्क पैकेजेस तक आपका WBS होता है। एक्टिविटीज होती हैं कि एक प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें सॉरी एक वर्क पैकेज को कंप्लीट करने के लिए जो जो काम या एक्टिविटीज करनी पड़ती है उनको हम एक्टिविटी का नाम देते हैं। एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए फर्दर जो काम करना पड़ता है उसको हम टास्क का नाम देते हैं। जनरली प्रोजेक्ट के ऊपर ये जो एग्जाम है उसके अंदर टास्क एज सच ये वर्ड यूज नहीं होगा, जनरली आप एक्टिविटी ही की बात होगी। लेकिन अगर कहीं टास्क की बात आई हुई है तो दैट मीन्स कि आप टास्क की बात यहाँ पे टास्क से मुराद ये कि इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए आप छोटे मोटे जो टास्क करते हो वो है। जनरली टास्क लेवल पे आप बातें नहीं करते हो, PMP एग्जाम के अंदर ऐसी बातें नहीं होती हैं। अच्छा, एक ये बात अगर आपको समझ आ गई तो अब मैं ना ये जो बात मैंने अभी की है इसके बिल्कुल एक अगेंस्ट एक बात करने जा रहा हूँ, आपसे कंफ्यूज हो जाएगा। वो क्या, कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, जो एक्टिविटी को टास्क का नाम देते हैं, ठीक है। उन सॉफ्टवेयर जैसे MS प्रोजेक्ट है वहां पे टास्क का मतलब होता है एक्टिविटी, लेकिन ये इन सॉफ्टवेयर में इस तरह होता है। अगर आप प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो वहां पे जो टास्क वाला काम है वो इक्वल होता है या इक्वलेंट है एक्टिविटी के। लेकिन एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं है, एग्जाम के अंदर वर्क पैकेज, इस वर्क पैकेज को कंप्लीट करने के लिए जो काम आप करोगे वो एक्टिविटीज हैं और फिर हर एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए जो कुछ आप करोगे वो टास्क है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना अगर आप ऑलरेडी किसी सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हो जहाँ पे आप टास्क का नाम सुनते हो। सॉफ्टवेयर में जनरली टास्क का मतलब एक्टिविटी होता है। इस पे कोई क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन सर मैं सिंपल आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि सपोज करें एक 10 मंजिले का घर बनाना है उसमें सबसे लोएस्ट लेवल पे जो आप कह रहे हैं कि प्लानिंग एक्टिविटी है सबसे लोएस्ट लेवल जो हमने अभी पढ़ा वर्क पैकेज है वो वर्क पैकेज आपकी नजर में क्या होगा? एक कमरे की दीवार पेंट करना पेंट के हवाले से अगर मैं भी मेरा ख्याल है कि एक रूम वो दैट वुड बी अ वर्क पैकेज। एक दीवार पेंट करना नहीं एक रूम पेंट नहीं हाँ एक रूम पेंट दीवार वुड बी टू शॉर्ट अ थिंग मेरा ख्याल है। ठीक है मैं ये क्लियर करना चाह रहा था कि हम कितने ये मतलब हाँ, आप सोचे ना कि एक दिन में 10 दीवारों का एक एक कोट वो कर जाता है ना एक एक राउंड या चार दीवारों का या पांच राउंड का तो वो टू मच ऑफ रिपोर्टिंग हो जाएगी। ठीक है आपको जैसे मैंने कहा कि कम से कम 4 घंटे तो का पीस रखे ना राइट सो आप मैं जनरली अगर इफ यू आस्क मी तो मे बी आई वुड से कि यार एक दिन में जो काम हो रहा है ना पूरा दैट वुड बी कि शाम को मैं उसे आके प्रोग्रेस ले सकूं दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट फॉर मी एज अ प्रोजेक्ट। स्मॉल प्रोजेक्ट्स के अंदर एक दिन के अंदर जो काम हो नहीं मैं इस घर वाले की स्पेसिफिकली घर वाले की बात बता रहा हूं। ओके अच्छा अब मैं आपको एक और बता मुझे ये बताएं कि मेरा एक प्रोजेक्ट है सिर्फ 3 दिन का प्रोजेक्ट है ठीक है स्मॉल प्रोजेक्ट है 3 दिन का और वो पता 3 दिन का क्या है 2 दिन मुझे रिहर्सल करनी है और तीसरे दिन मुझे एक इवेंट कंडक्ट करना है सदर पाकिस्तान ने उसमें आना है या 5 दिन मैंने करना है और उसके अरेंजमेंट करने हैं। अब सदर साहब वहां से जब निकलेंगे ना अपने घर से तो मैं हर 5 मिनट बाद प्रोग्रेस ले रहा हूँ हाँ तो ये आपने देखना है कि उस एक्टिविटी या उस वर्क पैकेज की इम्पोर्टेंस कितनी क्रिटिकल है। गेटिंग इट ठीक है। अच्छा जिस दिन अब मैंने एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि यार इस तरह जिस दिन लेंटर या स्लैब डल रही होगी आपके ख्याल में उस दिन मैं क्या पूरा दिन वेट करता रहूंगा प्रोग्रेस का? नो उस दिन मैं मे बी हर 2 घंटे हर आधे घंटे में भी मैं शायद सर पे खड़ा रहूं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है ना तो ये चीजें आपने देखना है मतलब अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट थिंग क्रिटिकलिटी इन्वॉल्व इन दैट थिंग। बाज दफा उसके साथ कुछ रिस्क एसोसिएटेड होते हैं तो
तो वो रिस्क आपको डिक्टेट करते हैं कि भाई आपने कितनी डिटेल में जाना है। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन ये है कि टास्क एंड एक्टिविटीज आर नॉट पार्ट ऑफ डब्ल्यूबीएस। नहीं, वर्क पैकेज, वो वर्क पैकेज का हिस्सा नहीं है, बस आपने ये याद रखना। बस ठीक है, ठीक है ना, थैंक यू। अच्छा, अब ये जो डीकम्पोजिशन का अमल है, वो हमने जो चीज पढ़ी ना, वो तो टॉप डाउन अप्रोच पढ़ी है। जो अभी तक मैंने आपको जितनी भी ड्रॉ करके दी है वो टॉप डाउन अप्रोच है, लेकिन समटाइम्स बॉटम अप अप्रोच भी होती है। समटाइम्स मतलब मुझे ये पता होता है कि यार वो फलां काम भी करने, लेट्स से मुझे मैप तो बनाना ही बनाना है। अब ये मैप क्या होगा, आर्किटेक्ट डिजाइन, कोई लीगल रिक्वायरमेंट, कोई इस तरह, वो मैं बाज दफा नीचे से ऊपर भी जा सकता हूँ। बाज दफा आपको कोई काम याद आता है, यार घर बनाने में ये जो चाहिए, तो आप कहते हो अच्छा यार इसको नीचे लिखो ना, यहाँ पे बनाओ, और फिर मैं देखता हूँ कि ऊपर ये किसके साथ फिट इन होगा। ठीक है, तो बाज दफा आप नीचे से ऊपर जाते हो, तो उसको हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। एंड देन कुछ कामों के लिए आपकी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने जनरल स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स बनाए हुए। अभी उमर ने मुझसे कहा था कि आपके पास कोई बना बनाया, ओके मैं बना दूंगा आपको, देख दिखा दूंगा। मसलन अभी अगर आप नेट पे अभी भी सर्च करें ना, तो ये घर की, सॉरी डब्ल्यू बी एस, आप उसमें गूगल करें डब्ल्यू बी एस का कोई मैप आपको दे दें फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। तो भाई अब लेट्स से हमारे यहाँ जो घरों की कंस्ट्रक्शन होती है वो शायद इस तरह हो कि जी पहले आपने अपने वो फाउंडेशन ले करनी है, तो उसके बाद कॉलम खड़े करने हैं, तो उसके बाद दीवारें, और फिर आपने लेंटर। लेकिन व्हाट अबाउट दोज हाउसेस जहाँ पे बनी बना बनाई तैयार छतें आ जाती हैं, ठीक है, जहाँ पे फ्रेम जो है वो स्टील का खड़ा होता है एंड सो ऑन। अच्छा, तो वहाँ पे शायद मेसनरी का वर्क या कंक्रीट का वर्क उस तरह हो ही ना, अगर वुड वाले एलिमेंट ज्यादा है एंड सो ऑन। सो डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन या जिस एरिया में आप ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे WBS क्या बनता है। एक पाकिस्तानी घर के अंदर जो कंक्रीट के हमारे घर बनते हैं, जिस तरह हम दीवारें बनाते हैं, हमारे यहाँ WBS का स्ट्रक्चर कुछ और होगा। और अगर बनी बनाई तैयार छतें, तैयार दीवारें और इस तरह की चीजें कहीं यूज हो रही है, तो वहां पे WBS थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, कोई बने बनाए टेम्पलेट्स उनके पास हैं या नहीं है, या बाज दफा इंडस्ट्री के अंदर फिक्स बात होती है। जैसे अब सॉफ्टवेयर वाले हैं, वो बार बार मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ हमेशा, और जनरली यही होते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइन बना लिया, डिजाइन बनाने के बाद डेवलप कर लिया, उसके बाद वो टेस्टिंग वाला फेज आ जाता है, और फिर शायद इंस्टॉलेशन कमिशनिंग, या टेस्टिंग इंस्टॉलेशन कमिशनिंग सब इकट्ठा हो जाता है। जनरली मतलब इन्हीं फेजेस से गुजरते हैं। तो आपने या तो खुद बना लें, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, या मतलब टॉप डाउन कर लें, या बॉटम अप कर लें, या फिर जो भी बना बनाया आपके पास टेम्पलेट या स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रहा है उसको आप कर लें। अच्छा सर, एक क्वेश्चन। जी जी, नॉर्मली तो हम टॉप डाउन अप्रोच की बात कर रहे थे, आपने भी हमें ये दिखाया, लेकिन बॉटम अप अप्रोच के लिए कुछ स्पेसिफिक कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें बॉटम अप्रोच करते हैं, या हम नॉर्मली भी इसको लेके चल सकते हैं? नहीं, मैं आपको बताऊं, देखें जिन चीजों के बारे में, जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश हो चुका हुआ है, वेल डिफाइंड, और आपका उस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। मसलन अगर मैं आपको कहता हूँ कि यार हम घरों की कंस्ट्रक्शन की एक कॉमन एग्जांपल है, हम में से किसी ना किसी कैपेसिटी में हमने देखा जरूर हुआ इस प्रोसेस को, ऐसे ही है ना कि पहले बुनियादें डलेंगी, फिर आगे ये खड़ा होगा, फिर ये खड़ा होगा, फिर तो इसको हम में भी ऊपर से नीचे ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि वो है। लेकिन बाज दफा आपके कामों की नेचर ऐसी होती है, मसलन आप मुझे बताएं कि आपने एक वीजा कंसल्टेंसी फर्म बनानी है, दिस इज योर प्रोजेक्ट, बताएं उसके लिए क्या क्या चाहिए। आप ऊपर वाले डिलीवरेबल से क्लियर नहीं कर सकते हैं उसको, ऐसे ही है ना जी। अब ये वो चीज है, ऐसा नहीं है कि ये काम पहले किसी ने नहीं किया, उस इंडस्ट्री में कोई बना हुआ है और आपको क्लैरिटी है तो आप जरूर कर लोगे। अदरवाइज इस पर्टिकुलर केस में, और जो आपने फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आप मे बी रेंडम ऑर्डर में कर रहे हो कि अच्छा यार ये चीज ये है, अच्छा यार हाँ एक काम हमने वो भी करना है, अच्छा ठीक है कर लेंगे, यार एक काम ये भी कर रहे हैं ठीक है कर लेंगे, और फिर उसको आप लिंक करते हो नीचे से ऊपर, एंड देन यू गेट अ क्लियर कट पिक्चर। ठीक ठीक हो गया। सो आप कितना, मतलब इसको ना जनरली हम यूं कहते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिटरेचर के अंदर आप चीजें, अगर आप कोई बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट या हाईली टेक्निकल प्रोजेक्ट जो फर्स्ट टाइम हो रहा है, फर्स्ट टाइम मीन्स एक नई टेक्नोलॉजी आई है, उस केस में जाहिर है आपको चीजें बिल्कुल 100% क्लियर नहीं होगी, आप बड़े आराम से बैठ के इस तरह नीचे ब्रेक डाउन नहीं कर सकोगे,
उसमें आपको कभी कोई चीज ऊपर की याद आएगी कोई नीचे की, और आप उसको फिट इन करने की कोशिश करोगे। हाँ, एक जो वेल एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स है और आपका उसमें एक्सपीरियंस भी है, या आपके पास कोई पुराने प्रोजेक्ट का उस तरह का डाटा पड़ा हुआ है जिसको देख के आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, तो फिर तो जाहिर है कोई इशू नहीं होगा, फिर आप टॉप डाउन भी करोगे। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि एग्जाम के अंदर जनरली एक्टिविटी लेवल पे सवाल होंगे। मसलन अगर आपको हम इंशाल्लाह कल से वो शुरू करेंगे अपना स्केजुलिंग वाला नॉलेज एरिया, तो एक्टिविटीज को प्लान करना, उनके ड्यूरेशन को देखना और उनका सीक्वेंस को देखना, कौन सी एक्टिविटी पहले होगी कौन सी बाद में होगी, एंड उनके एस्टीमेट लगाना, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, उनके कॉस्ट के जो एस्टीमेट है वो वगैरह वगैरह, ये सब हम एक्टिविटी लेवल पे करते हैं। जनरली एग्जाम के क्वेश्चन आपके एक्टिविटी लेवल पे को डील कर रहे होते हैं, वो वर्क पैकेज को इस तरह नहीं डील कर रहे होते। मतलब एग्जाम के क्वेश्चंस में ज्यादातर आपको एक्टिविटी की बात होती भी नजर आएगी। अच्छा, अब कुछ बातें जो एग्जाम के लिहाज से आपके जहन में होनी चाहिए, मतलब ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। WBS should be created by project manager, लेकिन अकेला नहीं, पूरी टीम का इनपुट होगा और जो जो स्टेक होल्डर है, जिस चीज का जो एक्सपर्ट होगा वही बताएगा कि यार इस काम को फर्दर इन इन पीसेस में ब्रेक डाउन कर किया जा सकता है। तो इन्वॉल्वमेंट टीम की बहुत जरूरी है। नंबर एक, ईच लेवल ऑफ अ WBS इज ब्रोकन डाउन, इज अ ब्रेक डाउन ऑफ द प्रीवियस लेवल। अगर ये लेवल है तो ये बेसिकली ये दो चीजें ब्रेक डाउन है ऊपर वाले लेवल की। एन इंटायर प्रोजेक्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द हाईएस्ट लेवल ऑफ WBS, और आखिर पे यू शैल बी एबल टू, यू नो, अगर मैं सारी चीजों को नीचे से ऊपर रोल अप करूं तो मेरा पूरे का पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे बनना चाहिए। अच्छा, उसके बाद कुछ लेवल्स फर्दर ब्रेक डाउन होंगे, कुछ नहीं होंगे। अ WBS इंक्लूड्स ओनली प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स दैट आर रिक्वायर्ड। Deliverables not included in the WBS are not part of the project. ये याद रखें, वो जो मैं बार बार कह रहा हूँ, एक फ्री हैंगिंग फ्री स्टैंडिंग किस्म का अगर कोई WBS में किसी ने काम इंक्लूड किया हुआ है और उसका ओवरऑल प्रोजेक्ट में कहीं भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वो चीज इसका मतलब है एक्स्ट्रा। अच्छा, अब हमने किस लेवल पे जाके एक काम कहेंगे कि एक रीजनेबल लेवल अटेन हो गया और अब हमें मजीद, मतलब वो वर्क पैकेज लेवल है, अब हमें मजीद ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं। जिन कामों को तो आपने आउटसोर्स करना है वो काम वहीं पे आप रोक दोगे। लाइक अगर मुझे ये तीन डिलीवरेबल बनाने हैं और इस डिलीवरेबल को मैंने खुद नहीं बनाना और ये आउटसोर्स करना है, तो मैं इसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं करूंगा। लेकिन अगर मुझे ये खुद बनाना है और लेट्स से उसके बाद मैं अगले लेवल पे आके डिसाइड करता हूँ कि यार ये वाला काम मुझे आउटसोर्स करना है, तो फिर मैं इसको ब्रेक डाउन नहीं करूंगा, बाकी चीजों को कर लूंगा। तो जिस लेवल पे भी, जिस भी काम का जो हिस्सा आपका फर्दर आप उसको आउटसोर्स करने का सोच लेते हो, यानी कि आप कहते हो कि मैं खुद नहीं करूंगा बाहर से करवाऊंगा, तो उसको तो आप फर्दर ब्रेक डाउन ना करो, एक बात। दूसरी बात, एक ऐसा लेवल अचीव हो जाए जहां पे आप रियलिस्टिकली कॉन्फिडेंटली एस्टिमेट कर सको। अब आप कहोगे कि हाँ यार, नाउ दिस इज गुड इनफ अ पीस ऑफ वर्क, कि इसको मैं फर्दर ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा ब्रेक डाउन किया तो फिर मुझे वो कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज ज्यादा करनी पड़ेगी। नाउ दिस इज रीजनेबल साइज, जहाँ पे मैं इसके एस्टिमेट भी कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं इसको प्लान भी कर सकता हूँ, और जहाँ पे मैं इसको वो भी कर सकता हूँ, कंट्रोल भी कर सकता हूँ। और ये अब इतना काम है कि अगर मैं किसी वर्क पैकेज के हवाले कर देता हूँ तो वो आराम से इस काम के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज आएंगी बाद में, उनको वो आराम से अनइंटरप्टली आराम से वो हैंडल कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये वो मुनासिब लेवल होगा जिस पे मैं चीजों को रोक दूंगा। सो अच्छा जी, और क्या कुछ है? एक मिनट जी, दैट्स इट। बाकी वो लिस्ट की बातें हैं, एक्टिविटीज की बातें हैं, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट। सो कैन यू टेल व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ WBS? मैंने बहुत सारे जिक्र किए, कैन एनीवन टेल मी? कंट्रोलेबल वर्क पैकेजेस बन जाते हैं, ठीक है, और एस्टीमेट्स, कॉस्ट एस्टीमेशन बहुत अच्छा हो जाता है, वेरी गुड, ठीक है। और सर, आप इजीली देख सकते हैं कि आपने क्या एस्टीमेट किया था और एक्चुअल वर्क क्या हो रहा है, और उसके बाद बिल्कुल प्रोग्रेस मॉनिटर एक फ्रेमवर्क आ जाता है पूरा, बिल्कुल सर, आप कंपेयर उसको मैं कंपेयर करना और कंट्रोल करना मेरे लिए आसान हो सर, वेरी गुड, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग की जरूरत है। और सबसे बड़ा एडवांटेज एक रहता है जो इसका मेन पर्पस है, वो है कि हम पूरे प्रोजेक्ट का हमें आइडिया हो जाता है।
कि यार ये सब काम मिल हैं जो टोटल इन टोटल मुझे करने, ठीक है, यू वॉक थ्रू द कंप्लीट प्रोजेक्ट और आप उसके सारे पीसेस को एक दफा देख लेते हैं। इसके अलावा टीम को क्लैरिटी होती है कि यार अच्छा मैं मेरा जो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या रोल है, मैं किधर स्टैंड करता हूँ, ये वाला काम मेरा है तो मैंने कौन से डिलीवरेबल के अंदर मेरा कंट्रीब्यूशन होगा एंड सो ऑन। अच्छा, सो इट हेल्प्स प्रिवेंट वर्क फ्रॉम स्लिपिंग थ्रू द क्रैक्स, मीन्स जो काम मैंने आपको कहा था कि अगर ये दो चीजें मिल के ये तीसरी चीज नहीं बन रही, ऊपर वाली चीज नहीं बन रही, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग मिसिंग, वो मिसिंग एलिमेंट मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा। प्रोवाइड्स प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ डिलीवरेबल्स फिट इनटू द ओवरऑल प्रोजेक्ट, जैसे अभी मैं बात कर रहा था, इट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन एंड अमंग प्रोजेक्ट टीम एंड अदर स्टेक होल्डर्स। वो उसको वहाँ पे अपनी प्रोग्रेस दिखाने के लिए, आप कम्युनिकेट करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। हेल्प मैनेज स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस अबाउट डिलीवरेबल्स एंड हेल्प प्रिवेंट चेंजेस। मसलन अच्छा दूसरा चेंज मैनेजमेंट के लिए मैं इस चार्ट को सामने रखूं और मैं कहूं सर आप देखें व्हाट यू आर आस्किंग मी टू ऐड समथिंग हियर बट यू डोंट नो कि इसके साथ ये वाला डिजाइन भी लिंक होगा और ये वाला एलिमेंट भी लिंक होगा, ये तीनों चीजें मिलकर ये बनाती हैं और इसके साथ ऑलरेडी ये दो एलिमेंट्स भी हैं, तो अगर आप मुझे यहाँ पे एक चेंज कहते हैं इसकी वजह से बेसिकली मुझे यहाँ पे डिजाइन में भी चेंज करना पड़ रहा है एंड सो ऑन, तो आप चेंजेस को भी इवैल्यूएट करना आपके लिए आसान हो जाता है इसमें। अच्छा देन हेल्प मैनेज, इसी तरह मैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन में भी इसको कर सकता हूँ। मेरे पास ये पूरा WBS बना हुआ है और मैं हर हर वर्क पैकेज पे जाऊँ मैं देखूँ कि अच्छा यार इसको करने में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, ओके ये क्लियर हो गया। अब इस काम को करने के लिए क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, ये भी क्लियर हो गया। इसको करने के लिए क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होंगे, सो मैं अपनी रिस्क आइडेंटिफिकेशन भी कर सकता हूँ। सो जब मेरे पर WBS बन जाता है तो उसकी यूटिलिटी फिर बहुत ज्यादा है। अच्छा, फोकस इज द प्रोजेक्ट टीम्स एक्सपीरियंस ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन रिजल्टिंग इन इंक्रीज क्वालिटी एंड प्रोजेक्ट that is easier to manage, provide basis for estimating, अभी आपने से किसी ने बताया था, provide proof। अच्छा एक सबसे important बात, मैं अगर management को मुझे लगता है as a project manager कि यार ये जो given budget है, let's say उन्होंने मुझे 10 million का एक budget दिया हुआ और मुझे ये लगता है कि ये budget ना काफी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पूरा WBS लेके जाऊँगा और जैसे अभी मैंने आपको वो सॉफ्टवेयर पे दिखाया और मैंने यहाँ तक नीचे लाया और हर WBS के कॉस्ट एस्टिमेट मैंने कर दिए और मैं अब ये चार्ट सामने रखता हूँ और मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ कि सर हमारे पास जो एस्टिमेट है दीज आर द लोएस्ट पॉसिबल प्राइसेस, नाउ यू टेल अस अगर आप मुझे मजीद प्रोजेक्ट फंड्स नहीं देना चाह रहे तो आप मुझे बताएं कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है, ये आपके सामने है सब कुछ, आप मुझे बताएं कि आपके ख्याल में कौन सी चीज़ की कॉस्ट एस्टिमेट मैंने ओवर एस्टिमेट किया हुआ है या इसमें से क्या ऐसा मैं ड्रॉप कर सकता हूँ कि मेरी कॉस्ट जो है 10 million में आ जाए, यू टेल मी। और अगर वो ये ना कर सके, मैनेजमेंट ना कर सके, आप अपना होमवर्क पूरा करके गए हैं तो उस सूरत में ऑब्वियसली वो फिर आपका ये बजट फर्दर इन्हेंस कर देंगे। सो दिस इज, और इसी तरह रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, जो कुछ भी चाहिए, ये दिस WBS acts as a proof of everything. Now it helps in monitoring and controlling, ये भी आपने से किसी ने कहा था। दूसरा फिर टीम एक बनती है आपकी ना, उस टीम के साथ आप मिल के जब आप करते हो ये सारी डिस्कशन करते हो, हर किसी को साथ साथ बताते जाते हो कि यार ये वाला काम आप देखेंगे, ये वो देखेंगे, अच्छा इसके लिए हम एक बंदा हायर कर लेंगे एंड सो ऑन, तो आपकी एक टीम बिल्ड होती है आपस में, यू नो आप जेल हो जाते हो एक बात, और दूसरा लोगों का उस पर एक अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट आ जाता है। जब आप टीम को इन्वॉल्व होकर के ये काम करते हो तो उनका बाय इन भी आ जाता है और फिर आपका प्रोजेक्ट सबके माइंड में से एक दफा घुसर जाता है कि यार दिस इज